तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदः प्राणायामः। शब्दार्थ, तस्मिन् सति बराबर उस आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास्योः बराबर श्वास और प्रश्वास की, गति विच्छेदः बराबर गति को रोकना, प्राणायामः बराबर प्राणायाम है। अन्वयार्थ, आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। व्याख्या, श्वास बाहर की वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। प्रश्वास कोष्ठ स्थित वायु का नासिका द्वारा बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा बाह्याभ्यंतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। रेचक प्राणायाम की बहिर्गति होने के कारण उसमें श्वास की स्वाभाविक गति का तो अभाव होता ही है, पर कोष्ठ की वायु का बहिर्विरेचन करके बाहर ही धारण करने से प्रश्वास की स्वाभाविक गति का भी अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में प्रश्वास की गति का तो अभाव होता ही है, पर बाह्य वायु को पान करके शरीर के अंदर धारण करने से श्वास की स्वाभाविक गति का भी अभाव हो जाता है, और कुंभक प्राणायाम में रेचन पूरण प्रयत्न के बिना केवल विधारक प्रयत्न से प्राण वायु को एकदम जहां के तहां रोक देने से श्वास प्रश्वास दोनों की गति का अभाव हो जाता है। जब ठीक आसन से बैठ जाएं, तब ऊपर बतलाई हुई रीति से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के इन तीनों भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन अगले सूत्र में है। आसन यम नियम की भांति योग का स्वतंत्र अंग नहीं है, वह प्राणायाम की सिद्धि का उपाय है। इसलिए तस्मिन् सति उसके अर्थात आसन के हो जाने पर यह शब्द लाया गया है। संगति, सुख पूर्वक प्राणायाम की प्राप्ति के लिए उसका भेद करके स्वरूप बताते हैं। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या बिह परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। शब्दार्थ, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति बराबर बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या बिह परिदृष्टः बराबर देश काल और संख्या से देखा हुआ, दीर्घ सूक्ष्मः बराबर लंबा और हल्का होता है। अन्वयार्थ, बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति देश काल और संख्या से देखा हुआ लंबा और हल्का होता है। व्याख्या, बाह्य वृत्ति श्वास को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक प्राणायाम है। अभ्यंतर वृत्ति श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव पूरक प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को एकदम जहां का तहां रोक देना कुंभक प्राणायाम है। जिस प्रकार तप्त लोह आदि पर डाला हुआ जल एक साथ संकुचित होकर सूख जाता है, इसी प्रकार कुंभक प्राणायाम में श्वास प्रश्वास दोनों की गति का एक साथ अभाव हो जाता है। इन तीनों में प्रत्येक प्राणायाम तीन तीन प्रकार का होता है। पहला, देश परिदृष्ट, देश से देखा हुआ अर्थात देश से नापा हुआ। जैसे पहला, रेचक में नासिका तक प्राण का निकलना, दूसरा, पूरक में मूलाधार तक श्वास का ले जाना, और तीसरा, कुंभक में नाभि चक्र आदि में एकदम रोक देना। दूसरा, काल परिदृष्ट, समय से देखा हुआ अर्थात समयोपलक्षित अथवा समय की विशेष मात्राओं में श्वास का निकालना, अंदर ले जाना और रोकना, जैसे 2 सेकंड में रेचक, 1 सेकंड में पूरक और 4 सेकंड में कुंभक। तीसरा, संख्या परिदृष्ट, संख्या से उपलक्षित, जैसे इतनी संख्या में पहला, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात
लंबा और हल्का होता है। भाव यह है कि ज्यों-ज्यों योगी का अभ्यास बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों रेचक, पूरक, कुंभक यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या के परिणाम से दीर्घ, सूक्ष्म होता चला जाता है। अर्थात पहले-पहले रेचक प्राणायाम में बाहर फेंकते समय जितनी दूर तक प्राण जाता है, धीरे-धीरे अभ्यास से उसका परिमाण बढ़ता चला जाता है। इसकी जांच इस प्रकार की जाती है कि रेचक प्राणायाम के समय पहले पहल नासिका के सामने पतली सी रुई रखने से जितनी दूर वह श्वास के स्पर्श से हिलती है, कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात उससे अधिक दूरी पर हिलने लगती है। इस प्रकार जब 12 अंगुल पर्यंत रेचक स्थिर हो जाए, तब उसको दीर्घ सूक्ष्म समझना चाहिए। जिस प्रकार रेचक प्राणायाम में श्वास की लंबाई बाहर बढ़ती जाती है, इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में अंदर बढ़ती जाती है। अंदर श्वास खींचने में श्वास का स्पर्श चींटी जैसा प्रतीत होता है। यह स्पर्श अभ्यास के क्रम से नीचे की ओर नाभि तथा पाद तल और ऊपर की ओर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। नाभि पर्यंत पूरक स्थिर हो जाने पर उसको भी दीर्घ सूक्ष्म समझना चाहिए। इस तरह केवल रेचक पूरक की परीक्षा की जाती है। कुंभक में न बाहर कुछ हिलता है, न अंदर स्पर्श होता है। यह देश द्वारा परीक्षा हुई, काल द्वारा परीक्षा। इसी प्रकार तीनों प्रकार का प्राणायाम अभ्यास द्वारा काल के परिमाण में भी बढ़ता जाता है। आरंभ में जितने काल तक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक काल तक बढ़ता जाता है। हाथ को जानू के ऊपर से चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देने में जितना काल लगता है, उसका नाम मात्रा है। दिनों-दिन वृद्धि को प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जब 36 मात्राओं पर्यंत श्वास प्रश्वास की गति के अभाव में होने लगे, तब उसको दीर्घ सूक्ष्म जानना चाहिए। संख्या द्वारा परीक्षा। इसी प्रकार संख्या के परिमाण से प्राणायाम बढ़ता जाता है। प्राणायाम के बल से कई स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का एक-एक श्वास बनता जाता है। जब 12 श्वास प्रश्वास का एक श्वास बनने लगे, तब जानना चाहिए कि दीर्घ सूक्ष्म हुआ। यह प्रथम उद्घात मृदु दीर्घ सूक्ष्म 24 श्वास प्रश्वास का एक श्वास, द्वितीय उद्घात मध्य दीर्घ सूक्ष्म और 36 श्वास प्रश्वास का एक श्वास, तृतीय उद्घात तीव्र दीर्घ सूक्ष्म कहलाता है। उद्घात का अर्थ नाभि मूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है। इस प्रकार प्राणायाम अभ्यास से लंबा और सूक्ष्म बड़ी निपुणता से जानने योग्य होता चला जाता है। विशेष वक्तव्य। प्राण का विस्तार पूर्वक वर्णन पहले पाद के 34वें सूत्र में कर आए हैं। यहां प्राणायाम का क्रियात्मक रूप बतला देना आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक रीति से एक मिनट में 15 बार श्वास लेता है। साधारण स्थिति में श्वास की गति इसी क्रम से होती है। पहली श्वास का भीतर जाना, दूसरी भीतर रुकना, तीसरी बाहर निकलना और चौथी बाहर रुकना। श्वास के भीतर जाने को श्वास, बाहर निकलने को प्रश्वास और अंदर तथा बाहर रुकने को विराम कहते हैं। इस स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की गति के वशीकरण से शरीर के भीतर प्राण की समस्त सूक्ष्म गतियों का वशीकार हो सकता है और नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इन दोनों गतियों के नियम पूर्वक रोक देने के अभ्यास से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, कुंडलिनी जागृत होती है और मन जो अति चंचल तथा दुह निग्रह है, प्राण से संबंध रखने के कारण उसके रुकने से शीघ्र स्थिर हो जाता है। योग का अंतिम लक्ष्य चित्त की वृत्तियों को रोकना है। इसलिए सूत्रकार ने प्राणायाम को योग का चौथा अंग मानकर
उसका लक्षण श्वास प्रश्वास की गति का रोकना किया है। तीन नियमित क्रियाओं से इस गति का निरोध किया जाता है, इसलिए प्राणायाम के तीन भेद पूरक बराबर अभ्यंतर वृत्ति, रेचक बराबर बाह्य वृत्ति और कुंभक बराबर स्तंभ वृत्ति किए हैं। पहला, पूरक द्वारा श्वास को देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति का अभाव किया जाता है। इस प्रकार पूरक द्वारा श्वास की गति को रोक देने को पूरक सहित कुंभक अथवा अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। दूसरा, इसी प्रकार रेचक द्वारा प्रश्वास को देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति को रोक दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्वास की गति को रोक देने को रेचक सहित कुंभक अथवा बाह्य कुंभक कहते हैं। जहां पूरक रेचक दोनों से श्वास प्रश्वास की गति को रोक दिया जाता है, वह सहित कुंभक कहलाता है। तीसरा, बिना पूरक रेचक किए हुए श्वास प्रश्वास दोनों की गतियों को कुंभक द्वारा एकदम जहां का तहां रोक दिया जाता है। यह भी देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म होता है, इसको केवल कुंभक कहते हैं। चौथा, इन तीनों प्रकार के प्राणायामों से भिन्न एक चौथी विलक्षण क्रिया श्वास प्रश्वास की गति को रोकने की है। इसकी संज्ञा योग दर्शन में चतुर्थ प्राणायाम की है। इसमें श्वास प्रश्वास की गति को रोके बिना केवल रेचक पूरा किया जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है। समाधि पाठ के 34वें सूत्र में मुख्य प्राण के पांच भेद प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान तथा प्राण का निवास स्थान हृदय, अपान का मूलाधार और समान का नाभि बतला आए हैं। पूरक में प्राण समान से नीचे जाकर अपान के साथ मिलता है और रेचक में अपान समान से ऊपर जाकर प्राण से मिलता है। इसलिए कई योगाचार्यों ने प्राणायाम का लक्षण प्राण और अपान का मिलाना किया है, यथा प्राणापान समायोगः प्राणायाम इति रितः प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभके। प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक की क्रिया समझी जाती है। वर्ण त्रयात्मका हेते रेचक पूरक कुंभकः स एव प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्च तन्मये। रेचक, पूरक और कुंभक, यह तीनों तीन वर्ण रूप हैं, अर्थात इन तीनों में तीन तीन वर्ण होते हैं। वही यह प्रणव कहा गया है। प्राणायाम प्रणव रूप ही है, अर्थात जिस प्रकार ओम में अ, उ, म ये तीन वर्ण हैं, इसी प्रकार पूरक, कुंभक, रेचक तीनों में तीन तीन वर्ण हैं, इसलिए यह तीनों प्रणव ही हैं। ऐसा जानकर इन तीनों के अलग-अलग अभ्यास में प्रणव उपासना की भावना करनी चाहिए। प्राणायाम की क्रियाओं की भिन्नता से कुंभक के आठ अवांतर भेद बतलाए गए हैं, यथा सहितः सूर्य भेदश्च, उंजाई शीतली तथा भास्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभकः। सहित, सूर्य भेदी, उंजाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली भेद से कुंभक आठ प्रकार का है। हठ योग प्रदीपिका में कुंभक का आठवां भेद प्लाविनी माना है। इन सब प्रकार के उपयुक्त कुंभकों के वर्णन करने से पूर्व इनके संबंध में कई विशेष सूचनाएं दे देना उचित प्रतीत होता है। पहला, बंधों का प्रयोग। स्थिर आसन में खेचरी मुद्रा के साथ नेत्रों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सिर, गर्दन और मेरुदंड सीधे रहें, झुके न रहें। शरीर को तान कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि ढीला छोड़ देना चाहिए।
मूल बंध आरंभ से अंत तक तीनों प्राणायाम में लगा रहना चाहिए। उड्डयन को भी लगाए रखने का प्रयत्न करें। रेचक में पूरा उड्डयन करके पेट को पीठ से मिला देना चाहिए। पूरक और कुंभक के साथ पेट की नाड़ियों को फुलाकर आगे की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए, वरम सिकोड़ कर ही रखना चाहिए। पूरक करके कुंभक के साथ जालंधर बंध लगाकर वायु को अंदर रोकना होता है। कुंभक की समाप्ति पर जालंधर बंध खोलकर रेचक किया जाता है। जालंधर बंध यद्यपि बहुत लाभदायक है, तथापि तनिक सी असावधानी होने पर इसमें हानि पहुंचने की भी संभावना रहती है, तथा इसके द्वारा गर्दन झुकाने की आदत भी कई अभ्यासियों को पड़ जाती है, इसलिए राजयोग के अभ्यासियों के लिए अधिक हितकर नहीं है। बिना जालंधर बंध लगाए दोनों नासिका पुट को अंगुलियों से बंद करके अथवा इसके बिना भी कुंभक किया जाता है। दूसरा, अंगुलियों का प्रयोग। वाम नासिका पुट से पूरक करते समय दाहिने नासिका पुट को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना होता है। कुंभक के समय वाम नासिका पुट को भी दाहिने हाथ की अनामिका तथा कनिष्ठिका से दबाकर वायु को अंदर रोकना होता है। अर्थात यदि जालंधर बंध न लगाना हो तो कुंभक में दोनों नासिका पुट सीधे हाथ की नियुक्त अंगुलियों से बंद किए जाते हैं। दक्षिण नासिका पुट से रेचक करते समय केवल वाम नासिका पुट को बंद रखना होता है। दाहिने पर से अंगुलियां हटा ली जाती हैं। इसी अवस्था में दाहिने नथुने से पूरक किया जाता है और कुंभक के समय इसको भी पूर्ववत बंद कर दिया जाता है। बाएं नथुने से रेचक के समय उस नथुने पर से अंगुलियां हटा ली जाती हैं। दोनों नथुनों से रेचक तथा पूरक करते समय दोनों नथुनों पर से अंगुलियां हटा ली जाती हैं। आरंभ में ही अंगुलियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अभ्यास परिपक्व हो जाने पर नथुनों को अंगुलियों से दबाए बिना भी रेचक, पूरक और कुंभक किया जा सकता है। यदि कुंभक में जालंधर बंध लगाया हो तो अंगुलियों द्वारा नथुनों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, प्राणायाम के आरंभ में जिस नासिका पुट से पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर निकाल देना चाहिए। सगर्भ सहित कुंभक सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायाम समाचरेत सगर्भो बीज मुचार्य निगर्भो बीज वर्जितः। सहित कुंभक सगर्भ और निर्गर्भ भेद से दो प्रकार का कहा गया है। सगर्भ बीज मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाता है और निर्गर्भ बीज मंत्र को छोड़कर किया जाता है। सगर्भ अर्थात स बीज प्राणायाम की विधि। पूरक का बीज मंत्र अंग है और कुंभक का ऊं है और रेचक का म है। इस प्रकार सहित प्राणायाम को प्रणवात्मक समझकर उसमें प्रणव की उपासना की भावना करते हुए पूरक में अंग का, कुंभक में ऊं का और रेचक में मंग का जाप करते हुए अथवा पूरक, कुंभक और रेचक तीनों को अलग-अलग प्रणवात्मक जानकर उनमें प्रणव की उपासना की भावना करते हुए तीनों में ओम की निश्चित मात्रा से जाप करना स बीज अथवा स गर्भ प्राणायाम है। पहला, साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुंभक। बीज मंत्र अंग अथवा ओम का 6 बार मानसिक जाप करते हुए बाएं नासिका पुट से धीमे-धीमे बिना आवाज किए हुए वायु को मूलाधार तक पूरक करें। 24 बार ओम का मानसिक जाप करते हुए कुंभक करें और बीज मंत्र म अथवा ओम का 12 बार मानसिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना आवाज किए वायु को दाएं नासिका पुट से रेचक करें। थोड़ी देर वायु को बाहर रोककर पूर्ववत 6 मात्रा में अंग अथवा ओम का जाप करते हुए इसी नासिका पुट से पूरक करें। पूरक के पश्चात पूर्ववत कुंभक, तत्पश्चात
बाएं नासिका पुट से रेचक करें, ये दो प्राणायाम हुए। इसी प्रकार दोनों नासिका पुटों से एक साथ पूरक, कुंभक और रेचक करके प्राणायाम किया जा सकता है। प्राणायाम की संख्या यही रहे, मात्राएं पूरक, कुंभक और रेचक 1-4-2 के हिसाब से यथाशक्ति बढ़ाते रहें। इसके पश्चात यदि चाहें तो केवल कुंभक कर सकते हैं। मात्राओं को बढ़ाने में शीघ्रता न करें, यथाशक्ति शने शने बढ़ावें। साधारण सहित कुंभक के अंतर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम। पहला, ताल युक्त प्राणायाम। हाथ की कलाई पर अंगूठे की ओर नब्ज वाली नाड़ी पर अंगुलियों को रख कर उसकी धड़कन की चाल को अच्छी प्रकार पहचानने का अभ्यास करने के पश्चात इस प्राणायाम को निम्न प्रकार करें। किसी सुखासन से विधि के अनुसार बैठकर उस नाड़ी की धड़कन को 1-6 तक गिनते हुए पूरक, 1-3 तक गिनते हुए आभ्यंतर कुंभक, 1-6 तक गिनते हुए रेचक और 1-3 तक गिनते हुए बाह्य कुंभक करें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 7 प्राणायाम करें। मात्राएं इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढ़ाते जाएं। इसी प्रकार अनुलोम विलोम रीति से यह प्राणायाम किया जा सकता है। फल, मन की एकाग्रता तथा बिना तार के तार वाले यंत्र अथवा रेडियो के सदृश दूर-दूर स्थानों में बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समय पर इस प्राणायाम द्वारा ताल युक्त होकर अपने विचार की तरंगे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी विधि, उपयुक्त विधि के परिपक्व होने पर 7 चक्रों पर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करें। मूलाधार चक्र, पूरक में ऐसी भावना करें कि श्वास उस स्थान में अंदर आ रहा है। अभ्यंतर कुंभक के पश्चात रेचक में ऐसी भावना करें कि श्वास वहां से बाहर निकल रहा है। फिर बाह्य कुंभक करें। इस प्रकार 7 प्राणायाम करें। इसी प्रकार क्रमानुसार स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र तथा ब्रह्म रंध्र में ध्यान करते हुए प्राणायाम करें।